आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन इफ cos 43 डिग्री प्लस cos 29 डिग्री माइनस cos 79 डिग्री माइनस cos 65 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन n डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को पकड़ें, ये पहला टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ये हो जाएगा cos c माइनस cos d की तरह। cos c माइनस cos d, जैसे यहाँ पे लिखा है cos 43 डिग्री माइनस cos 79 डिग्री एक साथ लिख ले, प्लस cos 29 डिग्री माइनस cos 65 डिग्री एक साथ लिख ले, तो ये बन जाएगा बिकॉज cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू, ये होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, ये होता है cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जाएगा cos c माइनस cos d का, यहाँ पे भी लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन 43 डिग्री प्लस 79 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 79 डिग्री माइनस 43 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 साइन 29 प्लस 65, 29 डिग्री प्लस 65 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 65 डिग्री माइनस 29 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये जाएगा 61 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री प्लस 2 साइन 47 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री, ये आ जाएगा। तो अब इसमें से 2 साइन 18 डिग्री इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 61 डिग्री प्लस साइन 47 डिग्री, ये हो जाएगा। अब यहां बिकॉज साइन c प्लस जो साइन d होता है, साइन c प्लस साइन d, इसकी जो वैल्यू होती है 2 साइन c प्लस d बाय 2, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, ये वैल्यू होती है। तो यह फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 साइन 18 डिग्री, ये तो कॉमन लिया था, इंटू साइन 61 डिग्री प्लस 47 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कॉस 61 डिग्री माइनस 47 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे 2 साइन 18 डिग्री 2 इंटू साइन 54 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री, इसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे बिकॉज साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है होती रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, और साइन 54 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये होती है। ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हो जाएगी 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉस 7 डिग्री। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, और ये रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1, और इधर आ जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू कॉस
सेवन डिग्री, क्योंकि ये है ए माइनस बी इस फॉर्मेट में और ये है ए प्लस बी इस फॉर्मेट में, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इज इक्वल टू फोर इंटू फोर डिवाइडेड बाई सिक्सटीन इंटू कॉस सेवन डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस सेवन डिग्री। अब इसकी जो वैल्यू है साइन एन डिग्री के बराबर है इज इक्वल्स टू साइन एन डिग्री। अब बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो इसलिए कॉस 7 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 7 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 83 डिग्री, तो इसलिए साइन 83 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन एन डिग्री। और द वैल्यू ऑफ एन इज 83, दिस इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।